मैं एक ऐसे बंदे की भूमिका निभा रहा हूँ जिसका ये व्यवसाय है, और तो और फिल्म के प्लॉट के हिसाब से जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर है जो ओम जी प्ले कर रहे हैं, उनकी पत्नी हिमानी शिवपुरी जी के माइंड में डाउट का बीज बोने का काम मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में। सीधी सी बात है, जिस दिन कोई भी कलाकार सीखना बंद कर देता है मेरे ख्याल में वो कलाकार मतलब वहीं थम जाता है, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाता। और इस फिल्म में जितने भी लोग हैं, चाहे मुझे सीनियर हो जैसे ओम जी हैं, हिमानी जी हुई, टीकू अंकल हुए, टीकू तलसानिया, संजय मिश्रा हुए, या जो हमारे साथी कलाकार हैं, आप राजपाल ले लो या ब्रजेंद्र काला ले लें, हेमंत पांडे ले लें, हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं। तो ऑब्वियसली ओम जी, हिमानी जी और टीकू अंकल को तो देखते ही मुंह से आ निकल आती है, पर सीखना तो मैंने बंद नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। नहीं, कॉमेडी फिल्मों का वो दौर नहीं रहा जो हम एक किस्म की कॉमेडी देखते थे, अब अलग किस्म की कॉमेडी देखते हैं। और कॉमेडी का दौर हमेशा रहेगा क्योंकि ह्यूमर की ज़रूरत है दुनिया में और ऑडियंसेस को ह्यूमर की ज़रूरत है। तो मैं पूरी तरह से नहीं मानता। अभी अभी कबड्डी वर्ल्ड कप ख़त्म किया है मैंने, जो मैं होस्ट करता हूँ, एक नया प्ले कर रहा हूँ मैं, एक प्ले मेरा चल रहा है चाइनीज़ कॉफ़ी नाम का। जहाँ तक फिल्मों की बात है, एक पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ नवंबर में, दिसंबर में एक गुजराती फिल्म कर रहा हूँ और फिर गोलमाल 4 की शूटिंग शुरू होगी। ये है लॉलीपॉप जो फिल्म है, उसमें दो गाने हैं मेरे, प्रवीण भारद्वाज का म्यूज़िक है, और एक पहला गाना जो है वो अभी हाल ही में यूट्यूब पे लॉन्च हुआ है, लाइफ है बोरिंग थोड़ा तड़का लगा लो, मस्ती इन द मॉल, मस्ती से भरा है मॉल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस गाने में देखी जाएंगी। और दूसरा जो गाना है वो बहुत ही सोलफुल रूहानी गाना है, इश्क तू आबाद कर या इश्क तू बर्बाद कर, तो दोनों ही कंट्रास्टिंग गाने हैं बड़े और एक दूसरे से बहुत अलग, और हर एक मूड के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक फिल्म में इतने कंट्रास्ट वाले गाने मिले तो काफ़ी खुशी होगी।